उदयपुर में मृतक छात्र देवराज के अंतिम संस्कार से जुड़ी अपडेट यह है कि मृतक छात्र देवराज का कल सुबह होगा अंतिम संस्कार। प्रशासन ने छात्र देवराज के परिवार की महिलाओं को घर पहुंचाया है, कड़ी सुरक्षा के बीच महिलाओं को पहुंचाया है केरादीवाड़ा स्थित देवराज के घर। कल सुबह 4 बजे के करीब परिवारजनों को सुपुर्द किया जाएगा देवराज का शव। सुबह करीब 7 बजे अशोकनगर स्थित मोक्षधाम में होगा देवराज का अंतिम संस्कार। ये अपडेट पूरे मामले पर, कल सुबह होगा देवराज का अंतिम संस्कार, क्योंकि इससे पहले जब प्रशासन की वार्ता हो रही थी परिजनों से तो ऐसा माना जा रहा था कि आज ही देर रात अंतिम संस्कार किया जाए देवराज का, लेकिन क्योंकि सामाजिक संगठन थे वो इसके लिए राजी नहीं थे, वो आक्रोश व्यक्त कर रहे थे कि एक तो रक्षाबंधन और दूसरा रात के समय में अंतिम संस्कार को लेकर सवाल वो उठा रहे थे। एक बार फिर से बातचीत हुई और अब ये बात निकलकर सामने आई है कि कल सुबह होगा अंतिम संस्कार देवराज का। और रेजिडेंट एडिटर रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अंतिम संस्कार अब आखिरकार कल होगा? बिल्कुल दीपिका, देखिए ये जो आशंकाओं के बादल थे वो छट चुके हैं। जो तमाम सहमतियों का जो बात थी वो सभी सहमतियां हो चुकी हैं और अब परिवार के जो लोग हैं, जिसमें खासकर जो महिलाएं थी, देवराज की मम्मी, उनकी बहन, उनके और जो ताई और बाकी के जो लोग हैं, उन सबको पुलिस के प्रोटेक्शन में पुलिस की गाड़ी से उनको घर भेजा गया है। और ये जो देवराज का शव है वो फिलहाल मोर्चरी में है। कल सुबह करीब 4 बजे से 5 बजे के बीच में परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। नगर निगम के मोक्ष रथ से ये जो शव है इसको देवराज का जो घर है खेरादीवाड़ा में, वहां ले जाया जाएगा। और जो भी हिंदू संस्कृति के अनुरूप जो भी रिचुअल्स हैं वो वहां पर पूरे किए जाएंगे। और उसके बाद में करीब 6 से 7 बजे के बीच में जो अंतिम यात्रा है देवराज की वो रवाना होगी उसके पैतृक घर खेरादीवाड़ा से अशोक नगर शमशान के लिए। तो उनके जो समाज के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, जयंती भाई ने भी ये बात स्पष्ट कर दी कि सभी जो मांगे थी वो पूरी हो गई हैं। और उन्होंने ये भी अपील की कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी तरीके का जो माहौल है उसको तनावपूर्ण नहीं बनाएं और खराब ना करें। जी बिल्कुल अभी, और आज की रात कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती भरी भी रह सकती है क्योंकि कानून व्यवस्था पहले की तरह वैसे ही रहे जैसी अभी तक हम देख पा रहे थे। हालांकि बहुत शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो कल अंतिम संस्कार मृतक छात्र देवराज का किया जाएगा, परिजनों से बातचीत हो गई है।